नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल ओनली टीचिंग पर। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रोनफेनब्रेनर इकोलॉजिकल थ्योरी, जिसको हिंदी में कहते हैं ब्रोनफेनब्रेनर का पारिस्थितिपरक सिद्धांत। ये लेक्चर उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी अदर स्टेट के टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक बीटेट, एसटेट या रीट। इसके अलावा ये उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स जो कि टीचिंग से रिलेटेड है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक KVS या DSS भी, तो उनमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस थ्योरी के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है, तो इस वीडियो में हम अच्छे से इस थ्योरी को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूरी ब्रोनफेनब्रेनर की। इनका पूरा नाम यूरी ब्रोनफेनब्रेनर था, ठीक है। ये एक रशियन मूल के थे, यानी इनका जन्म रशिया में हुआ था, और अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। बाद में उन्होंने अमेरिकन सिटीजनशिप ली थी, और ये एक साइकोलॉजिस्ट थे। इनका जन्म 29 अप्रैल 1917 को हुआ और 25 सितंबर 2005 को इनकी मृत्यु हो गई। अब आते हैं इनकी जो थ्योरी है, इस थ्योरी में क्या कहा गया है। इस सिद्धांत में बच्चे के विकास की व्याख्या एक सामाजिक संदर्भ में की गई है, जिसमें बच्चे रहते हैं वैसे लोगों के साथ अंतर्क्रिया करते हैं जो बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस थ्योरी में बच्चे का जो सोशल एनवायरनमेंट है उसको डिस्कस किया गया है। ब्रोनफेनब्रेनर ने बच्चे का जो सोशल एनवायरनमेंट होता है उनको कैटेगराइज किया था। आगे हम डिस्कस करेंगे 5 लेयर्स में उन्होंने कैटेगराइज किया था बच्चे के सोशल एनवायरनमेंट को, और कैसे किया था, क्या क्या चीजें हैं, अभी सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो उनके इस सिद्धांत को जैव पारिस्थितिपरक मॉडल भी कहते हैं, इंग्लिश में बात करें तो बायो इकोलॉजिकल मॉडल। तो इनका जो दूसरा नाम है, इनकी थ्योरी का दूसरा नाम, वो भी आप याद रखिएगा। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात पर। ब्रोनफेनब्रेनर के इस पारिस्थितिपरक सिद्धांत के अनुसार पर्यावरण तल के 5 स्तर होते हैं, ठीक है, जो घनिष्ठ अंतर्व्यक्तिक अंतर्क्रिया से लेकर समाज या संस्कृति के विभिन्न विस्तृत प्रभावों तक विस्तारित होते हैं। ब्रोनफेनब्रेनर ने क्या था कि बच्चे की जो जो सोशल एनवायरनमेंट होता है उसको कैटेगराइज किया गया था। उन्होंने 5 लेयर्स में बांटा था, और लेयर्स भी उन्होंने कुछ ऐसे नहीं डिसाइड कर दिए, उन्होंने लेयर्स इस तरीके से बनाए थे कि उन लेयर्स में जो जो फैक्टर्स आते थे वो डिपेंड करते थे कि बच्चा उनके साथ कितना ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहा है। अगर बच्चे का घनिष्ठ अंतर्व्यक्तिक संबंध है तो फर्स्ट लेयर में आता था, और जैसे जैसे उसका जो इंटरेक्शन है वो कम होता था लेकिन उसका प्रभाव उस पर पड़ता है तो उन्होंने उसको अपर लेवल में रखना स्टार्ट कर दिया। तो बेसिकली उन्होंने 5 लेयर्स बताए थे। पहला है लघु मंडल, जिसको कहते हैं इंग्लिश में माइक्रो सिस्टम, मध्य मंडल मैसो सिस्टम, बाह्य मंडल एक्सो सिस्टम, वृहत मंडल मैक्रो सिस्टम, घटना मंडल क्रोनो सिस्टम। तो इस तरीके से उन्होंने 5 सिस्टम बताए थे। प्रत्येक मनुष्य पर जन्म से लेकर मृत्यु तक इन 5 तंत्रों का प्रभाव पड़ता है। अब एक एक करके हम 5 को पढ़ लेते हैं अच्छे से। सबसे पहले हम बात करते हैं लघु मंडल की, यानी कि माइक्रो सिस्टम। इसमें बच्चे का निकटतम वातावरण शामिल होता है, जो बच्चे को सबसे ज़्यादा जिनके साथ बच्चा डायरेक्ट इंटरेक्शन करता है वो सारे फैक्टर्स पहले में आते हैं, यानी कि लघु मंडल में। इसमें बच्चे का परिवार, संगी साथी, स्कूल, पास पड़ोस, जो भी होते हैं ना बच्चे का नेबर्स, वो सारी चीज़ें इसमें आते हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चे के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें पहले में आती हैं, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा, जो जो भी बच्चे के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करेंगे, चाहे बच्चे के फ्रेंड्स हो गए, उनके फैमिली मेम्बर्स, पेरेंट्स, टीचर्स, नेबर्स, वो सारे पहले में आ जाएंगे, यानी कि लघु मंडल में। अब हाँ, अब बच्चा इंटरेक्शन जो करता है, इसका जो नेचर होता है इंटरेक्शन का नेचर, वो 2 तरीके का होता है, यानी कि द्विदिशात्मक होता है। इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जो लघु मंडल होता है इसमें बच्चा जब इंटरेक्ट करता है तो 2 चीज़ें होती हैं जो उसके इंटरेक्शन के नेचर को डिसाइड करती हैं। पहला, बच्चे का खुद का शारीरिक गुण, व्यक्तित्व या क्षमता कैसी है, और दूसरा, जिनके साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है वो, यानी कि शिक्षक हो गए या उसके संगी साथी हो गए, परिवार हो गया। तो ये दोनों फैक्टर्स मिलके बच्चे का जो इंटरेक्शन होता है उसको 2 तरह का बना सकती है, यानी उनके नेचर को 2 तरह का बना सकती है। पहला पॉजिटिव इंटरेक्शन और दूसरा नेगेटिव इंटरेक्शन। अब इसको हम थोड़ा एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए एक बच्चा है जिस जो कि बहुत ही कह लीजिए वैसा है, दोस्ताना है या अच्छे प्रवृत्ति का है, काफ़ी फ्रेंडली बिहेव करता है, तो अपने टीचर के साथ, संगी साथी के साथ जब वो बिहेव करेगा तो उसका पॉजिटिव मतलब इंटरेक्शन होगा, उसका जो रिलेशन बनेगा अपने टीचर के साथ या फ्रेंड के साथ वो बहुत ही पॉजिटिव होगा। तो कहीं ना कहीं बच्चे का शारीरिक गुण और उसका जो जिनके साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है, ये दोनों फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से बच्चे का जो इंटरेक्शन है वो होगा। अगर यही मान लीजिए बच्चा है एक जो कि काफ़ी नटखट है या मतलब जल्दी चिढ़ जाता है, ठीक है, बाद में गुस्सा उसको आ जाता है, इस तरीके का बच्चे का अगर नेचर है, और अगर वो अपने टीचर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ अगर वो इंटरेक्ट कर रहा है तो उसका काफ़ी नेगेटिव इंटरेक्शन होगा, उसका जो रिलेशन होगा काफ़ी नेगेटिव रिलेशन होगा, ना उसको टीचर पसंद करेंगे ना उसके कोई फ्रेंड्स बनेंगे जल्दी। तो इस तरीके से बच्चे का जो इंटरेक्शन होता है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक बच्चे का खुद का जो शारीरिक गुण है, व्यक्तित्व है, क्षमताएँ हैं, और दूसरा
जो भी उसके शिक्षक संगी साथी जिनके साथ वो इंटरेक्शन कर रहा है। तो इस तरीके से लघु मंडल में क्या होता है, बच्चा इंटरेक्ट करता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे लघु मंडल में ध्यान रखिएगा केवल बच्चे के जो सबसे क्लोजेस्ट होता है जिनके साथ बच्चा डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है वो सारी चीजें आ जाती हैं, टीचर्स, पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स, पास पड़ोस, पीयर्स ग्रुप, ये सारे जो है बच्चे के लघु मंडल में आते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले पर, अगला है मध्य मंडल। देखिए मध्य मंडल क्या होता है, इसमें कोई भी फैक्टर्स नहीं आते। अगर मैं आपसे, अगर आपने जैसा पढ़ा कि लघु मंडल में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, इसमें मध्य मंडल में कोई एक्स्ट्रा नए फैक्टर्स नहीं है, वही सारे हैं जो लघु मंडल में। लेकिन इसमें होता क्या है कि मध्य मंडल में हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से स्टडी करते हैं। जो भी हमने अभी लघु मंडल में जिन भी फैक्टर्स को पढ़े, टीचर्स, पेरेंट्स, उनकी उनके बीच रिलेशंस, उनके बीच बच्चे का कैसा इंटरेक्शन है, ये सारी चीजें हम मध्य मंडल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो मंडल है ये पहले स्तर का विस्तृत रूप है। ये लघु मंडल के विभिन्न तत्वों जैसे परिवार, संगी साथी एवं स्कूल के आपसी संबंधों से बना होता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इसमें कोई नया फैक्टर्स नहीं है, ये विस्तृत रूप है पहले का ही। इसमें जो भी बच्चा जिनके साथ इंटरेक्शन कर रहा है वो सारी चीजें आती है, उनका विश्लेषण होता है कि बच्चा कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, क्या इंटरेक्शन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसा है, वो सारी चीजें मध्य मंडल में आती है। अब जैसे उदाहरण के लिए बच्चों की पारिवारिक अनुभूति तथा स्कूल अनुभूतियों में या पारिवारिक अनुभूति या साथी संगी की अनुभूति में संबंध मध्य मंडल के उदाहरण है। बच्चा स्कूल में कैसा एक्सपीरियंस ले रहा है, उसका घर में कैसा है, अपने टीचर्स के साथ घर में अपने पेरेंट्स के साथ उसका कैसा इंटरेक्शन है, इनका आपस में क्या रिलेशन है, काफ़ी फर्क पड़ता है। जैसे कि अगर आप एज अ टीचर अगर आप कोई केस स्टडी करते हैं तो आप अच्छे से बच्चे के सारे चीज़ों बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर जब बच्चे केस स्टडी करते हैं तो देखते हैं कि कई फैक्टर्स होते हैं जो कि बच्चे के फैमिली फैक्टर्स होते हैं, स्पेशली बच्चे का इंटरेक्शन कैसा है पेरेंट्स के साथ, उसका काफ़ी इफेक्ट पड़ता है बच्चे का स्कूल में जो परफॉर्मेंस है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड है। तो मध्य मंडल में कोई नए फैक्टर्स नहीं आते, जो भी हमने फर्स्ट ईयर में पढ़े उन्हीं को अच्छे से यहाँ पर स्टडी किया जाता है। अब हम आ जाते हैं एक चीज़ और, इपिस्टिन ने एक शोध, एक साइकोलॉजिस्ट थे, इपिस्टिन ने एक शोध करके यह बताया कि जिन छात्रों को घर या स्कूल में पर्याप्त अंतःक्रिया करने का अवसर दिया जाता है उसमें पहल करने की शक्ति तथा उच्च उपलब्धि स्तर पाया जाता है। तो कहीं ना कहीं अब आप यहाँ पे इस शोध से भी आप देख सकते हैं कि कैसे मध्य मंडल जो लघु मंडल है उसी का ही विस्तृत रूप है। कि इसमें इन्होंने बताया कि मान लीजिए जो भी बच्चा है उसको घर में इंटरेक्शन करने के लिए या स्कूल में इंटरेक्शन करने के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, तो ऑफकोर्स उनका जो IQ है या इनिशिएटिव वो जल्दी लेते हैं। ये नेचुरल सी चीज़ है, आप इस चीज़ को महसूस करेगा अपने आसपास जो बच्चे होते हैं उनमें आप देख सकते हैं ये ऐसी चीज़ें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा बाह्य मंडल जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सोसिस्टम। देखिए इस मंडल में विभिन्न सामाजिक संगठन आते हैं जो बच्चे को प्रभावित करते हैं, बच्चे स्वयं इनका सदस्य नहीं होते। ठीक है, जैसे बच्चे के माता पिता का कार्यस्थल हो गया, कोई धार्मिक संस्थान हो गया, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र हो गए, कोई औपचारिक संगठन हो गया। ठीक है, तो इसमें ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है ना, मतलब ऐसे सामाजिक संगठन आते हैं इसमें जो बच्चे को इफेक्ट करते हैं, हालांकि बच्चे का इनसे डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, डायरेक्टली बच्चे इनका मेंबर नहीं होता, लेकिन ये जो होते हैं ये बच्चे को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि धार्मिक संस्थान हो गए, बहुत सारे धार्मिक संगठन है, उनके विचारों का बच्चे पर बहुत प्रभाव पड़ता है। बच्चे का जो बच्चे के माता पिता का कार्यस्थल, जैसे आपने देखा होगा जो गरीब के बच्चे होते हैं उनके जो पेरेंट्स होते हैं अक्सर वो लेबर होते हैं, किसी फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं, तो वहाँ का बच्चे पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है ना, बच्चे पर उनका काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो इस तरीके से काफ़ी देखेंगे जो सामाजिक संगठन होते हैं उनका काफ़ी इफेक्ट बच्चे पर पड़ता है। तो ये जितने भी सामाजिक संगठन हैं ये सारे बाह्य मंडल में आ जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं वृहत मंडल जिसको हम कहते हैं मैक्रो सिस्टम। यह मॉडल का सबसे बाहरी स्तर है जिसमें सांस्कृतिक मूल्यों, सामाजिक प्रथाओं, सामाजिक आर्थिक स्तर आदि शामिल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए जो वृहत मंडल है यह सबसे बाहरी स्तर इसको कहा गया है, जबकि अभी हम एक और पढ़ेंगे। लेकिन मैं बात बता दूं आपको, जो हम लेयर्स पढ़ रहे हैं ना, लेयर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे टॉप लेयर पे ये आता है। ठीक है, सबसे टॉप लेयर पे ये आता है। जो फिफ्थ लेयर है उसको मैं अभी आगे समझाऊंगा किस तरीके से वो थोड़ा डिफरेंट है इन सबसे। जो ये मॉडल है ये उस मॉडल का सबसे बाहरी स्तर है वृहत मंडल, और इसमें सांस्कृतिक मूल्य आते हैं बच्चे का, जो मतलब कल्चरल वैल्यूज होते हैं। जैसे बच्चा अगर हिंदू है और अगर कोई बच्चा मुस्लिम है तो ऑफकोर्स उनके जो सांस्कृतिक मूल्य होते हैं उनमें काफ़ी अंतर आपको देखने को मिलेगा, उनकी सामाजिक प्रथाएं अलग होती हैं। ठीक है ना, और इसके अलावा सामाजिक आर्थिक स्तर भी काफ़ी फर्क पड़ता है, जैसे कि कोई गरीब है कोई अमीर है, तो इनका काफ़ी असर पड़ता है बच्चों के डेवलपमेंट पे, सोशल डेवलपमेंट पे। तो
तो ये जितने भी फैक्टर्स होते हैं ये सारे किस में आ जाते हैं, मैक्रो सिस्टम में। ठीक है। तो आपने ये सारी चीजें देखी, अब आ जाइए घटक मंडल पे। घटक मंडल समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, और कहीं ना कहीं ये अभी हमने जो चार पढ़े इससे थोड़ा सा अलग है, लेकिन ब्रोनफेनब्रेनर ने इन्होंने इसमें शामिल कर रखा है। देखिए, घटक मंडल में बच्चे की सामाजिक ऐतिहासिक अवस्थाएं शामिल होती हैं। विभिन्न समय में बच्चे का सामाजिक वातावरण भिन्न होता है, जिसका प्रभाव ऐतिहासिक रूप से बच्चे के जीवन पर पड़ता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो काफी अच्छा रहेगा। मान लीजिए एक गांव है, और उस एक गांव के हम किसी दो बच्चे को लेते हैं। एक बच्चा है जो उसी गांव में पढ़ता है, लिखता है, बड़ा होता है और वही नौकरी करता है। एक बच्चा है जो बड़ा होता है लेकिन बाद में शिक्षा प्राप्त करने के लिए शहर में आ जाता है और फिर वहीं पे वो नौकरी करता है। तो अब आप क्या देखेंगे कि इन ये जो दो बच्चे हैं, एक गांव का है, दूसरा गांव से शहर में आया, वो इनमें काफी आपको अंतर देखने को साफ साफ झलकेगा। ठीक है ना, काफी अंतर मिलेगा। देखिए, जो दोनों बच्चे हैं इनमें ये चारों के चारों लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे, जो भी हमने अभी पीछे पढ़ा, लघु मंडल हो गया और मध्य मंडल हो गया, वृहत मंडल हो गया। ठीक है, तो ये बाह्य मंडल हो गया, ये सारे आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि अगर दोनों गांव में है या शहर में है, बच्चा दूसरा बच्चा अगर शहर में, तो कहीं ना कहीं बच्चे दोनों के दोनों बच्चे अपने पेरेंट्स से इफेक्टेड होंगे, अपने पीयर ग्रुप से होंगे, टीचर्स का उन पर काफी इफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा जो भी सोशल ग्रुप्स हैं उनका काफी इफेक्ट पड़ेगा। जो फैसिलिटीज उनको गाँव में मिल रही है, जो एक हेल्थ फैसिलिटी उनको गांव में मिल रही है, शहर में जिस बच्चे को मिल रही है, तो काफी अंतर देखने को मिलेगा। लेकिन दोनों चीजें वहां कॉमन रहेंगी। लेकिन अगर हम इन सबको मर्ज कर दें, एक साथ कर दें, तो कहीं ना कहीं दोनों का आप डेवलपमेंट देखेंगे तो काफी अंतर आएगा। एक जो गांव का बच्चा है वो केवल गांव के एनवायरनमेंट से ही परिचित होगा, उसको केवल गांव का वातावरण पता होगा, गांव की चीजें पता होंगी, वहां के आसपास के वातावरण को अच्छे से पहचानता है। ठीक है। और जो एक शहर का बच्चा होगा वो गांव के साथ साथ शहर के वातावरण को भी समझता है उनमें। तो इससे क्या होगा कि आप देखेंगे कि जो शहर वाला बच्चा है कहीं ना कहीं वो क्या समय के साथ साथ वो क्या हुआ उसके मतलब वो गांव से क्या हुआ शहर में आ गया। तो विभिन्न समय अंतरालों पे क्या हुआ, दोनों के आसपास के इन्वायरमेंट में चेंजेस आ गए। ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है, हमारे आसपास में इन्वायरमेंट में चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है ना, कई तरीके से चेंजेस होते हैं। कई बार हम अपने मतलब स्थान बदल लेते हैं तो चेंजेस हो जाते हैं, या कई बार क्या होता है कि भाई आसपास का माहौल बदल जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे के इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं, और इन सबको इंक्लूड कर दिया जाता है घटक मंडल में। तो घटक मंडल में बच्चे का शुरू से लेके अभी तक का सारा रिकॉर्ड आ जाता है जिसमें बच्चा रहा है, और उसके बावजूद उनमें जो अंतर पाए जाते हैं उसका विश्लेषण किया जाता है। तो ये घटक मंडल में आ जाते हैं। बेहतर होगा यहाँ पे मैंने देखिए सारी चीजों को एक ड्राइंग के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ये एक 3D ड्राइंग है, और इसमें जो सबसे ऊपर जो बीच में है वो है एक व्यक्ति या बच्चा। ठीक है। इसमें बच्चे के जो अपने शारीरिक गुण होते हैं जो कि अनुवांशिक रूप से वो लेकर आता है। फिर आ जाता है लघु मंडल, पहला लेयर, जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा इंटरेक्ट करता है, उसके टीचर्स हो गए, उसके फ्रेंड्स हो गए, या उसके जो फैमिली मेंबर्स हो गए, ये सारे आ जाते हैं। फिर मध्य मंडल, इनका इनके बीच रिलेशन क्या है उसका स्टडी मध्य मंडल में आ जाता है। फिर आता है बाह्य मंडल, जिसमें कि सामाजिक संगठन, हेल्थ फैसिलिटीज हो गई, या भाई धार्मिक जो संगठन हो गए वो हो गए, ये सारी चीज इसमें आ जाती है। फिर आता है वृहत मंडल, और वृहत मंडल में क्या आ जाता है, जो भी बच्चे की कल्चरल वैल्यूज हैं, जो कि सामाजिक उसकी प्रथाएं हैं, वो सारी इसमें आ जाती हैं। लेकिन जो घटक मंडल है वो एक तरीके से एक आप देख सकते हैं, ये घटक मंडल मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सर्कल नहीं बताया बनाया, लेकिन इसकी एक ऊंचाई के रूप में दिखा रखी है। कहीं ना कहीं क्या है कि सारे के सारे जो चार लेयर हैं वो एक साथ बच्चा एक साथ इन सबको डील करता है, लेकिन इनको डील करते 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 क्या होता है, बच्चे का विकास भी होता है। और इन सभी को हम एक साथ मर्ज कर दें, एक साथ इकट्ठा कर दें, जो भी बच्चा जिनके साथ भी इंटरेक्शन कर रहा है, तो घटक मंडल में आ जाते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से विभिन्न सामाजिक अवस्थाओं में बच्चे का विकास होता रहता है, और ये विभिन्न समय में जो भी बच्चे का सामाजिक विकास होता है वो सारे घटक मंडल में आ जाते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आज आपको जो भी समझाया समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, क्या मुझे अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजी में चेंजेस करने चाहिए, या मुझे और भी कुछ बताने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें डिपेंड करता है किस तरीके से आपका रिस्पॉन्स आता है। वीडियो में प्लीज कमेंट करके बताएं कि क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अगर लेक्चर आए तो पसंद करिए, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि मैं और भी ऐसे लेक्चर्स लाता रहूं, और आपकी मोटिवेशन अगर मिलती रहेंगी तो इससे भी बेहतर लेक्चर मैं बनाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।